अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडानिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 iota। ये डिवाइड करना है हमने 4 + 3 iota के साथ। इसको डिवाइड करने के लिए हमें पहले एक डेफिनेशन को देखना होगा, वो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो के रियल पार्ट जैसा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में है वैसा ही रखता है, और वैसा ही इमेजिनरी पार्ट रखता है जैसा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में है, बट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन जो होता है वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन के ऑपोजिट होता है। डेफिनेशन इसकी ये है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट हैव द सेम रियल पार्ट एज द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हैज एंड सेम इमेजिनरी पार्ट एज द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है बट विद ऑपोजिट साइन। इसको बार से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जी मेरे पास नंबर है 2 + 3 iota, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो जी के ऊपर बार लगा के करूँगा, और इसमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, जो इसमें सेम ही जो ओरिजिनल नंबर का रियल पार्ट है वो सेम होता है, बट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जस्ट साइन चेंज होता है। ये है इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 + 3 iota over 4 + 3 iota एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 3 iota डिवाइडेड बाय 4 - 3 iota। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 3 iota 4 - 3 iota over 4 + 3 iota 4 - 3 iota। ऊपर वाली वैल्यू को जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ पहले करना है मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 को 4 के साथ किया तो 8, 2 को -3 iota के साथ, जी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस 2 को करेंगे 3 iota के साथ, 2 3 iota, ठीक है जी। उसके बाद इसको करेंगे इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट के साथ, प्लस 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 का 3 4 जार प्लस प्लस प्लस
प्लस प्लस प्लस आ गया, थ्री फोर जार 12 बाई ओटा, प्लस माइनस माइनस, थ्री थ्री जार 9 और एओटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे एक फार्मूला बन रहा है, अगर मैं इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी बन रहा है। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी के लिए आप इस फार्मूले को देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो हम इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहां पे ए दोनों में क्या है, फोर, ए की जगह पे फोर आ गया, बी की जगह पे थ्री आयोटा, ठीक है जी। फोर को टू से मल्टीप्लाई किया एट, माइनस का माइनस, थ्री टू जर सिक्स आयोटा, प्लस का ट्वेल्व आयोटा और माइनस का नाइन आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन, माइनस थ्री का स्क्वेयर नाइन, थ्री का स्क्वेयर नाइन और आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि इसको नाइन आयोटा स्क्वेयर को इस नाइन आयोटा स्क्वेयर के साथ काट दें, नो, ये नाइन आयोटा स्क्वेयर इसमें से माइनस हो रहा है, ये नाइन आयोटा स्क्वेयर इसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है जी। अब आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि इस नाइन आयोटा स्क्वेयर को इस नाइन आयोटा स्क्वेयर के साथ काट दें, नो, ये नाइन आयोटा स्क्वेयर इसमें से माइनस हो रहा है और ये नाइन आयोटा स्क्वेयर इस ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस हो रहा है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये हम जानते हैं जी, एट माइनस सिक्स आयोटा प्लस जी आ जाएगा जी, एट प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस की, प्लस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सॉल्व माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस किए तो 6 आयोटा, माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1, क्योंकि यहां पे भी आयोटा स्क्वायर है। ये क्या आ गया जी, 8 प्लस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 जी। तो यहां पे ये 8 और ये 9, इन दोनों को जब प्लस किया तो बन गया 17, प्लस का 6 है ओटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 होता है हमारे पास 25, ये आ गया 25। अब इसको 25 को मैं वन बाय वन दोनों के नीचे लिख सकता हूं, 17 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने से मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकला है, इसका रियल पार्ट जो है वो 17 ओवर 25 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 6 ओवर 25 है, ठीक है जी। तो जी, तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा कि हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का पता होना चाहिए, जो कि बहुत इजी है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।